नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जीटेल इंफ्रा। तो जीटेल इंफ्रा जो शेयर है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी पकड़े हुए हैं, अभी भी इसमें तगड़ी तेज़ी बनी हुई है और ये शेयर जो है रुकने का अभी भी नाम नहीं ले रहा है। और इससे यही उम्मीद लगाई जा रही है कि ये अभी भविष्य में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाला है और अच्छा लोगों को ऑर्डर्स बना के देने वाला है। जैसे ये अभी इतना तेज़ी दे चुका है और भी तेज़ी इसमें आना बाकी है। इसमें तेज़ी आना क्यों बाकी है मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा इसके आगे के क्या लेवल से क्या टारगेट होना चाहिए और उसके अलावा कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चल के देखते हैं कि इसमें कैसी क्या ट्रेड चल रही है। तो इसमें देखिए तो ऑलमोस्ट अभी ये ₹2.50 पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें 4.17% के आसपास का अपर सर्किट देखने को मिला है। ये इसमें 10 पैसे की तेजी मिली थी फ्राइडे के दिन। वन अगर वीक का बताएं तो वन वीक में इसमें भयंकर तेजी मिली है, 40 पैसे की तेजी दिखाई इसने, लगभग 19.05% की इसमें तेजी मिली है सिर्फ और सिर्फ एक वीक में। पूरे हफ्ते इसमें जो है अपवर्ड सर्किट देखने को मिला है। वन मंथ में देखें तो वन मंथ में ये ऑलमोस्ट अपना 100% दे चुका है, अपना पैसा ये दोगुने कर चुका है पूरा पैसा समझ लीजिए। अगर आपने ₹1,000 लगाए होते एक महीने पहले तो आपका भी ₹2,000 हो गया होता। तो आपको इस बात से अंदाजा लगाई कि एक शेयर देखिए सीधी चढ़ाई कर रहा है और रुकने का अपना नाम नहीं ले रहा है और इसका भविष्य तो और भी तगड़ा होने वाला है। आपको बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, भविष्य इसका और अच्छा होने वाला है। और अब देखिए इसे 6 महीने का हाई, 6 महीने में 150% रिटर्न, एक हैवी रिटर्न माने जाते हैं 150%। एक छोटा सा शेयर आपको 150% रिटर्न देते एक बहुत ही आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा होता है कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करें और आपका एक महीने पैसा डबल हो गया, 6 महीने में आपका 1.5 गुना पैसा हो गया। तो एक बहुत अच्छा शेयर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये पैसा आपने लगाया इसमें तो काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट लग रही होगी। अब देखें इसमें इसके फंडामेंटल्स, कंपनी के कैसे क्या फंडामेंटल्स हैं। तो कंपनी जो है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है इसके टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो कंपनी है ये आपको पता है जो टावर लगे होते हैं और जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो टेलीकॉम सर्विस के एयरटेल के वोडाफोन के जियो के, तो ये जो टावर है कौन बनाता है, ये बनाता है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अलावा आपने देखा होगा जो इंटरनेट की जो केबल्स बनती हैं, फाइबर केबल होती हैं, वो भी ये सारी कंपनी प्रोवाइड करती है, बनाकर देती है कंपनियों को। और अब इसका भविष्य आगे इसलिए अच्छा होने वाला है क्योंकि जो भारत सरकार की योजना है गांव को जोड़ने की इंटरनेट से, तो उसमें क्या होने वाला है बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होने वाली है और इक्विपमेंट की जरूरत पूरी कौन करेगा, वो पूरी करेगी जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीटेल लिमिटेड, ये सारी कंपनियाँ क्या होंगी इन सारे चीज़ों की पूर्ति करने वाली है। और अब मैं अब पूछेंगे कि ये चीज़ पहले भी तो हो सकती थी, पहले भी तो इंटरनेट की तो जोड़ा गया था, तो पहले ये था कि पहले जो राज चल रहा था इंडिया में वो राज चल रहा था चाइनीज़ कंपनियों का। चाइनीज़ कंपनी जो हुवाई थी वो कंपनी इंडिया पर राज कर रही थी, लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने इन कंपनियों को अपने भारत से आउट कर दिया है तो अब राज किसका होने वाला है, राज होने वाला है इन कंपनियों का, जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जीटेल लिमिटेड, इन सारी कंपनियों का क्या होने वाला है, अब इंडिया में राज चलने वाला है। ये कंपनियां बहुत तेज़ी से अब भागने वाली हैं क्योंकि अब इनके लिए पूरे द्वार खुल चुके हैं कि ये अपना काम अब, क्योंकि जो हुवाई कंपनी थी बहुत सस्ते में काम करके देती थी और इन कंपनियों का काम थोड़ा ज़्यादा महंगा था, इसलिए कंपनियां पीछे आ जाती थी काम करने में। लेकिन अब जो है अब जितनी भी कंपनियां हैं जियो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, अब कंपनियों की मजबूरियां हैं कि इन कंपनियों से ही काम कराना पड़ेगा उनको। तो इन कंपनियों के अब बहुत तेज़ी से भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि अब आपको पता है कि 5G का अभी धमाका देखने मिलने वाला है, 5G इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। वोडाफोन आइडिया अपने टेस्टिंग शुरू कर दी है, जियो और एयरटेल अपनी टेस्टिंग पूरी कर चुके हैं, तो अब जल्दी ही आपको 5G इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो 5G के जो बूम आएगा इंडिया में, वो बूम आने के बाद किस कंपनी में बूम देखने को मिलेगा, बूम देखने को मिलेगा जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में भी देखने को मिलने वाला है क्योंकि टावर इन्हीं कंपनी को लगाना है, जो फाइबर केबल होती हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल वो भी इन कंपनी को प्रोवाइड करना है। तो इस लिहाज से जो है कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। इस कंपनी को क्या करना है, अच्छे अच्छे रिटर्न लोगों को जो रिजल्ट हैं वो देना है, क्वार्टर के जो रिजल्ट आते हैं वो रिजल्ट अच्छे देना है। उसके अलावा अपने आपको डेथ फ्री करना है, क्योंकि डेथ फ्री क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का आप देखें पी जो है वो माइनस में है, माइनस का 2.46 और पीबीबी माइनस का 16.16 है। तो इनका एसेट्स की इसमें बहुत ज़्यादा कमी है, इनके एसेट जो है गिर भी पड़े हुए हैं दूसरे लोगों के पास में। और पी अगर देखें तो कंपनी का बहुत अच्छा है सेक्टर के से देखें तो, किसी भी सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं सारी कंपनियां लॉस में चल रही हैं क्योंकि टेलीकॉम सर्विस पूरा लॉस में चल रहा है, हर कंपनी को अपना AGR ड्यूज पे करना है, तो सारी कंपनियां जो है लॉस में बनी हुई हैं। तो उस ये कंपनी भी इसलिए लॉस में चली है, लेकिन ये कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी दिख रही है पी के अगर लिहाज से देखा जाए तो, लेकिन महंगी है तो महंगा रिटर्न आपको ये देने वाली ये भी पक्की वक्की बात इसमें दिखाई दे रही है। अब बताएं आपको इसका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा क्या रहा है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड जो है 1920 का इनका फाइनेंशियल ईयर था, उसमें इनका तो रेवेन्यू था वो माइनस का 4.96 का और प्रॉफिट भी इनका माइनस में 21.06 का था, मतलब प्रॉफिट इनका हुआ नहीं था, इनका लॉस हुआ था। तो इनका लॉस कितना था, लगभग 1.86 करोड़ का इनका लॉस था और 1.44
1000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट करके दिया था। लेकिन इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 आए, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है। आप देखें इनका जो रेवेन्यू है लगभग 1.45 हो गया है, 1.45000 करोड़ का, मतलब ये भी इनका बढ़ता हुआ दिखाई दिया रेवेन्यू भी। और लॉस जो उनका 1.86 था, अब कितना बचा है 1.27000 करोड़ का, मतलब कि लॉस भी इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया है, लास्ट ईयर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे दी है। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे क्या रहे हैं, फाइनेंशियली कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दी है। तो अब गौर करें टोटल रेवेन्यू इनका लास्ट ईयर कितना था, 1437 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था लास्ट ईयर, इस साल कितना है 1448 करोड़ के आसपास। तो इसमें आप देखें साफ साफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है रेवेन्यू। और सबसे खास बात है वो इनकी नेट इनकम, नेट इनकम देखें तो इनकी लास्ट ईयर माइनस का 1863 करोड़ के आसपास की थी, मतलब लॉस पे चल रहे थे 1863 करोड़ के आसपास। इस साल लेकिन इनका लॉस कितना है 1270 करोड़ के आसपास, तो मतलब 600 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना कर्जा जो है चुका लिया है अभी तक। अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर इनकी कितनी थी लास्ट ईयर माइनस की 1.5, मतलब 1.5 रुपये इनका इनका लॉस हो रहा था, अर्निंग इनकी हो रही थी उल्टा इनको लॉस हो रहा था 1.5 रुपये का। अब लेकिन कितना हुआ है अभी इनका 1 रुपये की अर्निंग पर शेयर है माइनस में, मतलब कि प्लस पैसे की इन्होंने रिकवरी दी है अर्निंग पर शेयर में भी। होल्डिंग्स पे चलते हैं तो होल्डिंग इस कंपनी में कैसी क्या ले रखी है प्रमोटर्स ने, प्रमोटर होल्डिंग्स में काफ़ी कम है 3.36 और सारी की सारी होल्डिंग क्या है पूरी की पूरी गिरवी पड़ी हुई दूसरों के पास, क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही थी। तो लॉस में जब कंपनी आ जाती है तो अपनी होल्डिंग्स कंपनीज को निकालना मजबूरी पड़ जाती है कि अब जब कर्जा चुकाना है तो कैसे चुकाएंगे, कंपनी के तो होल्डिंग गिरवी रखें या कंपनी की होल्डिंग बेच दें। तो इन्होंने क्या किया अपनी जो होल्डिंग 3.36 थी उसको गिरवी रखा हुआ है, बाकी जो होल्डिंग्स है वो दूसरे लोगों के पास में। सबसे जो पॉजिटिव है कंपनी के लिए वो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग, ऑलमोस्ट 61% की होल्डिंग वो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास में। तो मतलब बड़े जो कंपनीज हैं बड़े लोग हैं उन्होंने इसमें अच्छा खासा पैसा लगा रखा है, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट इसमें लगा रखी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की देखिए तो इसमें 2.23% के आसपास की होल्डिंग है, तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर भी इस कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी इसमें पैसा अपना अच्छा खासा लगा रखा है। जो मेन जो अच्छा खासा जो पैसा लगा हुआ है वो लगा हुआ है अपना रिटेलर्स का, 33.44% पैसा जो है वो लगा हुआ है अपना रिटेलर्स का। तो एक हैवी अमाउंट देखें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो इस कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव दिखा रही है कि हाँ ये कंपनी भविष्य में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है, क्योंकि 5G का जो बूम है इस कंपनी में बहुत ड्राइविंग फोर्स का काम करने वाला है इस कंपनी को ऊपर ले जाने में, क्योंकि 5G जैसे जैसे आएगा उतना ज़्यादा टावर कंपनी को लगाने के लिए ऑर्डर मिलेंगे, बड़े बड़े कंपनी को जो है प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। तो ये जो शेयर है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागने वाला है, ये भी पक्की बात इसमें अभी जो है दिखाई दे रही है। जो सामने कहानी मैंने आपको बता दी कि कंपनी देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग समय में आ रही है, कंपनी लॉस में तो है लेकिन लॉस को धीरे धीरे कम कर रही है, क्योंकि एक चीज़ होती है अपना लॉस में कंपनी है और लॉस को बढ़ता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है तो कंपनी की वो नेगेटिव चीज़ होती है। लेकिन ये कंपनी क्या कर रही है अपने लॉस को लगातार कम करने की कोशिश कर रही है, अपने जो ड्यूज है पे करने की कोशिश कर रही है, अपनी गिरवी हालांकि की होल्डिंग अभी पड़ी हुई है लेकिन आपको ये होल्डिंग बहुत जल्दी ये अपनी चुकाते हुए भी दिखाई देंगे कि अपनी होल्डिंग को छोड़ा लेंगे बहुत जल्दी, अपनी जो होल्डिंग जो इन्वेस्टर्स के पास में है डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास में या जो होल्डिंग दूसरे लोगों में इन्होंने बेच दी है उनसे ये छोड़ा लेंगे बहुत जल्दी, ये अगर ये कंपनी प्रॉफिट में आती है तो। ये आपका ये हो गया इसका कि फंडामेंटली। अब चलते हैं कंपनी की चार्ट की तरफ, की कंपनी चार्ट में कैसा क्या परफॉर्मेंस दी है। तो देखें तो इस लेवल से उसका 70 पैसे का इसका जो लेवल था यहाँ से ये जो बढ़ना चालू हुआ है ये जो तेज़ी है अभी तक ये तेज़ी रुक नहीं पाई है, लगातार ये तेज़ी अभी भी बनी हुई है और यही इससे उम्मीद है कि ये तेज़ी अभी और भी रहने वाली है। लेकिन ये तेज़ी आपको इसलिए सतर्क कर रही है कि आप उसका एक बार देखें RSI 96 के ऊपर इसका RSI पहुँच चुका है, तो ये आपको एक बार तेज़ी जो है थोड़ा सा सतर्क भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि जैसा हाल TTML में हुआ है, रिलायंस पावर में हुआ है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, तो कहीं ये हाल इसमें भी तो नहीं होने वाला। तो आप थोड़ा सा इसमें सेफ खेलते हुए चलें, सेफ क्यों खेलें क्योंकि बहुत तेज़ी इसमें आ चुकी है। कोई भी आपको पता है शेयर जो है बिल्कुल सीधी चढ़ाई नहीं करता कि सीधी चढ़ाई चालू करते शेयर मार्केट में, उसमें तेज़ी जब आती है तो उसमें थोड़ा सा गिरावट भी देखने को मिलती है, ऊपर नीचे का हाल हमेशा रहता है, तो ये चीज़ इसमें भी देखने को मिल सकती है। तो आपको मेरी यही सलाह है कि अगर आपने इसमें नीचे के लेवल पर बाई कर रखा है तो इसमें आप पार्शियल रूप से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म में खेल रहे हैं तो आप इसमें शॉर्ट टर्म में खेल रहे हैं तो इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलें, आप बहुत ज़्यादा फायदे देंगे, क्योंकि जब ये गिरावट आएगी तो ये नीचे आएगा, आप इसको दोबारा से बाई कर लीजिएगा नीचे के लेवल पर, फिर ये ऊपर जाएगा तो आप इसको फिर भी सेल कर लीजिएगा, तो आपको क्या होगा डबल प्रॉफिट इससे मिलेगा, आपको दोगुना इससे पैसा मिल सकता है। तो आपको यही करना है कि आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी करते हुए चलेगा शॉर्ट टर्म में आप इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। तो अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया तो लॉन्ग टर्म में आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आराम से आप इसमें इन्वेस्ट करके बैठिए, लॉन्ग टर्म में आप अपना पैसा बनता हुआ देखिए, जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट अपने आएगी डेट फ्री होगी कंपनी और भी ज़्यादा कंपनी का जो है भविष्य उज्ज्वल होता जाएगा, कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस देगी। तो ये कंपनी के आगे के क्या लेवल हैं, तो ये हमने आपको लेवल दिया है, अगर ये कंपनी नीचे अगर आपको जो शेयर जो है नीचे आता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि अगर इसमें गिरावट आ जाती है तो जो सपोर्ट बिल्कुल नामुमकिन है टूटना, ऑलमोस्ट जो बहुत ही रेयर केस में टूट सकता है
वो है इसका 1.90 रुपए के आसपास का, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। ये सपोर्ट आप बहुत अच्छे तरीके नोट कर लीजिए, ये सपोर्ट बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है इस शेयर के लिए। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो जो अगला सपोर्ट है वो बहुत नीचे है, वो है 1.50 रुपए पर। ये दो सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सपोर्ट टूटने नहीं चाहिए। अगर ये टूटते हैं तो कंपनी जो है बहुत नीचे आने वाली है, क्योंकि अगर जो सपोर्ट है वो 1.65 रुपए के, तो आपको इन दो सपोर्टों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, आपको इंपॉर्टेंस देना है 1.90 रुपए और 1.35 रुपए। ये दो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा काम है एनालाइज करना, तो आपको सबसे जो अच्छे लेवल होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो आप सबसे सेफेस्ट होते हैं आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमने आपको चार अच्छे लेवल दे दिए हैं, जिसमें जो दो इंपॉर्टेंट है 1.90 रुपए और 1.35 रुपए। अब इसके आगे के टारगेट क्या होंगे, टारगेट जो रहेंगे वो होंगे इसके 2.60 रुपए इसका टारगेट नंबर वन, जो बहुत आपको अचीव होता हुआ दिखाई देने वाला है। अगला ट्रेडिंग सेशन मंडे को ही हो सकता है ये टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे 2.60 रुपए। हमने आपको बहुत नीचे के लेवल पर उसको बाय कराया था, ये जब से बढ़ रहा है ये लगातार हम आपको उसको कवर कर रहे हैं, और आप इसमें देखें खूब सारा पैसा आप कमा चुके होंगे, ये भी पक्की बात है। तो इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा 2.60 रुपए टारगेट नंबर वन। और अगर आप इसमें कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट, तो लॉन्ग टर्म में आपका जो टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है ऑलमोस्ट 5 रुपए का। ये भी टारगेट आपको बहुत जल्दी आपको अचीव होगा, ये आपका भविष्य का टारगेट रहने वाला है। लॉन्ग टर्म में आप अगर इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं 6 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए, तो ये आपका टारगेट रहेगा 5 रुपए के आसपास का, आपका टारगेट आपको बहुत जल्दी आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। आपको बहुत हैवी अमाउंट इससे मिलेगा भविष्य में, एक साल डेढ़, अगर एक साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करके बैठे हैं, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करके बैठे हैं, तो बहुत आपको पैसा इसमें मिल सकता है। तो आप आराम से इसमें जो है सेफ खेलें, प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चले इसमें पार्शियल रूप से, यही आपको मेरी सलाह है। ज़्यादा इसमें आप अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें तो लाना ज़्यादा ना करें, क्योंकि अगर गिरावट आ जाएगी तो आप फिर से ऐसे फंस जाएंगे, पैनिक कर जाएंगे, आप इसमें परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे शेयरों में आप जब तेज़ी आ जाए तो पार्शियल रूप से प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना हमेशा ज़रूरी होता है, ताकि ये नीचे लेवल पर आए तो आप दोबारा इसको बाई कर लें और से दोबारा पैसा कमा सकें। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।